लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहाँ गया? क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारा रिवॉल्वर मेरे पास है, मुझे दे दो। रिवॉल्वर रखना और रिवॉल्वर चलाना दो अलग अलग बातें हैं। अभी देर हो रही है, चलो। उसने तुम्हें अकेले बुलाया है, इसलिए तुम जाओ, मगर डरना मत, मैं आसपास ही रहूंगा। ओके, नीचे रख दो। अब वापस जा, मुड़कर देखने की कोशिश मत करना। परिंदे की तरह बेवकूफी कर रहे हो जो तूफान से बचने के लिए अपना मुंह रेत में छुपा लेता है। इंस्पेक्टर करवे फ्रॉम क्राइम ब्रांच, हैंड्स अप। इंस्पेक्टर कदम, लालच का धुआं तुम्हारी अकल पर इतनी बुरी तरह से छा गया
कि तुम अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर बैठे। उस वर्दी का अपमान किया है तुमने जिस पर जनता का विश्वास और कानून की बुनियाद खड़ी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हारे माथे पर कभी ना मिटने वाली स्याही से गद्दार लिख देता, जिसे पढ़कर तुम्हारे जैसा कोई भी पुलिस वाला बेईमानी नहीं करता। अरसम, हम मराठा जो ईमान को भगवान समझते हैं, तू उनके नाम पर काली है काली। तुम ब्लैकमेल क्यों हो रही थी इसका पता तो मुझे चल जाएगा। फिलहाल एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। राकेश, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छुपे हो, भागने की कोशिश नहीं करना, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। याद रखो, पुलिस वालों को भागे हुए कैदी से कोई हमदर्दी नहीं होती। चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर एक बार तुम्हारे जिस्म से रूह निकल गई तो पछताने के लिए फिर वापस नहीं आएगी। मैं तीन तक गिनूंगा, एक दो। तुमने मुजरिमों की जुबान खुलवाने के लिए कई बार थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया है, अब मैं तुम पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करूं या तुम शराफत से बताते हो कि मिसेस नारंग को तुम ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? ये उस रात की बात है सर, जिस रात में मिसेस नारंग को मिस्टर नारंग की मौत की खबर देकर बाहर निकला। जब मुझे पता चला कि वो लाश मिस्टर नारंग की है, तब मैंने अपना फर्ज अदा करने के बजाय मिसेस नारंग को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं अपने कीपर बेहद शर्मिंदा हूं सर। लामत है तुम पर, पुलिस की वर्दी पर एक बदनुमा दाग। इंस्पेक्टर जी, जंगल से लाश निकालने का बंदोबस्त करो। यस सर। क्या हुआ? इंस्पेक्टर यस, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वराम, ले चलो। सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि इस पेचीदा केस में मैं कैसे शामिल हो गया। जिस रात मद्रास जाने वाला फ्लाइट क्रैश हुआ था, उस रात एक औरत पुलिस स्टेशन आई। उसने मुझे बताया कि उस फ्लाइट में मिस्टर नारंग के टिकट पर उसके पति गए हैं। फ्लाइट क्रैश में मिस्टर नारंग के नहीं,
उसके पति की मौत हुई। वो चाहती थी कि उसके पति की लाश मिलने में कोई कानूनी रुकावट पैदा ना हो। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरे दिन सुबह मैं मिस्टर नारंग के घर गया। यह देखकर हैरान हो गया कि वहां तो मिस्टर नारंग की फ्लाइट क्रैश में मौत होने की वजह से शोक मनाया जा रहा है। मैं सोच में पड़ गया कि मिस्टर नारंग तो मद्रास गया नहीं, तो फिर गया कहां। यह देखकर तो मैं और भी हैरान रह गया कि राकेश, जो कि एक जेल से भागा हुआ कैदी है, वो भी वहां मौजूद। मुझे कैसे इंटरेस्टिंग लगा। उस दिन के बाद मैंने नारंग के घर की निगरानी शुरू कर दी। लेकिन एक दिन राकेश ने मुझे देख लिया। उसके बाद मैंने फोन टैप करना शुरू किया, जिससे मुझे पता चला कि कोई मिसेस नारंग को ब्लैकमेल कर रहा है। सर, ब्लैकमेलर का तो पता चल गया, मगर नारंग का कत्ल किसने किया? चलो नारंग के घर चलते हैं। यस सर। तुम दोनों ऊपर जाओ, तुम लोग उधर देखो। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि हमारी बेटी ऐसा काम कर सकती है। हमने भी तो अपनी बेटी को उस दिन यहीं जिंदा दफन कर दिया था, जिस दिन वो हमसे कह रही थी मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। हाँ, इस जैसे कि केशव उसे छोड़ न दे, हमने उसकी एक न सुनी। तुम ठीक कहती हो। जब तक माँ बाप बेटियों को बोझ समझकर कंधे से झटकते रहेंगे, तब तक इसी तरह के जानलेवा हादसे होते रहेंगे। चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सब लोगों को बाहर ले आओ। यस सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ते ही मुझे पता चला है कि कातिल कौन है। कातिल मैं हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम अविनाश है। नारंग का खून मैंने किया है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। खून मैंने किया है क्योंकि वो एक शक्की और बेरहम इंसान था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो मुझे मार डालता। आप इसकी बातों को यकीन मत कीजिए। ये लो, गुत्थी सुलझते सुलझते फिर एक बार उलझ गए। लाश एक और खून का दावा करने वाले दो। सर, मुझे लगता है ये खून अविनाश ने किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे हॉस्पिटल में कहा था कि डिस्चार्ज होते ही पुलिस स्टेशन आके मिलना, मगर ये नहीं आया। हाँ तो मिस्टर अविनाश, आप मुझे ये बताइए कि खून आपने किस हथियार से किया? चाकू से। दैट्स राइट, नारंग का खून चाकू से हुआ, मगर तुमने चाकू कहाँ मारा? पेट में। क्या? पेट में चाकू मारा था? लेकिन केशव की मौत तो गला काटने से हुई थी। इसका मतलब ये खून तुमने भी नहीं किया है, और मैं आज तक तुम्हें बचाने के लिए खून का इल्जाम अपने सर ले रही थी। तो खून तुमने भी नहीं किया और मैं आज तक तुम्हें बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर लेता रहा? खून तुमने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, तो फिर कातिल कौन हो सकता है? कातिल वही है जिसने खून भी किया और चुप रहकर पूरा तमाशा भी देखा। नहीं सर, मैं खूनी नहीं। मैंने कब कहा कि तुमने खून? खूनी वही है जिसके उंगलियों के निशान
इस चाकू पर। इंस्पेक्टर कीर्ति रावल, इस चाकू पर मिस्टर राकेश के उंगलियों के निशान। मिस्टर राकेश, ये खून तुमने किया? हाँ इंस्पेक्टर, ये खून मैंने किया है। नारंग ने जिंदगी में जितनी दौलत कमाई उससे कई ज्यादा लोगों की नफरत कमाई। हर खूबसूरत औरत का शिकार करना उस वेशी दरिंदे की आदत बन गई थी, जिस पर उसका दिल आ जाए। मेरी बीवी मोनिका मशहूर मॉडल थी, वो नारंग के यहां मॉडलिंग करती थी। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आज मैं तुम्हारी ऐसी तस्वीर उतारना चाहता हूँ जो हजारों साल पहले उस वक्त ली गई थी जब लोगों ने कपड़े पहनना नहीं सीखा। कैमरा मेरा दिल होगा और तुम धड़कन बनकर मेरी सांसों से टकरा रही हो। मिस्टर नारंग, हाउ डेयर यू? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आप अच्छी तरह जानते कि मैं एक शादीशुदा और एक शरीफ लड़की हूँ। So what? ये तो और भी अच्छी बात है। जिस तरह पानी पर लिखा फौरन मिट जाता है, उसी तरह अगर कभी कभार मैं तुमसे होकर गुजर जाऊंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बैंक बैलेंस भी पड़ता रहे। मैं मॉडलिंग बैंक बैलेंस के लिए नहीं करती। मेरे पति की इतनी इनकम है कि अगर मैं मॉडलिंग ना भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तुम उसकी इज्जत रखने के लिए कह रही हो? अगर उसकी इनकम अच्छी होती तो शादी के इतने दिनों बाद भी उसने तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरी? सिर्फ इसलिए कि कहीं मां बनकर तुम्हारा ये हुस्न ढल ना जाए और उसकी चलती फिरती दुकान को ताला ना लग जाए। अरे तुम क्या जानो, मेरे राकेश की सोच और सूरत दोनों देवताओं जैसी है। तभी तो ये जानने के बाद भी कि मैं मां नहीं बन सकती, उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं। जबकि तू जितना बदसूरत है, तेरी सोच उससे भी कहीं ज्यादा बदसूरत है। मेरी सूरत पर दौलत का नकाब चढ़ा है और दौलत से खूबसूरत तो भगवान का चेहरा भी नहीं होता, फिर तू क्या चीज है? नहीं, मैं तेरे आंचल से साफ। नहीं, नहीं।
खूबसूरत हूँ। ये सारी दुनिया तो क्या, तेरा पति भी जिंदगी भर तुझसे नफरत करेगा। साहब, मैंने ही फोन पर पुलिस को यह खबर दी थी कि राकेश ने अपनी पत्नी का खून कर दिया, क्योंकि जिस वक्त खून हुआ उस वक्त मैं वहां मौजूद था और मेरी मौजूदगी का कारण यह था कि मोनिका मुझसे प्यार करती थी और राकेश को इस बात का शक हो गया था। मोनिका मुझसे इसलिए प्यार करने लगी थी क्योंकि राकेश मोनिका को अपनी पत्नी नहीं बल्कि पैसा कमाने वाली एक मशीन समझता था। उसकी बेवफाई का एक और कारण था, मोनिका मां बनना चाहती थी लेकिन राकेश जानता था कि मां बनते ही मोनिका का मॉडलिंग कैरियर खत्म हो जाएगा और पैसा कमाने वाली मशीन में जंग लग जाएगा। राकेश की गैरहाजिरी में मैं मोनिका से मिलने लगा। उस दिन मोनिका ने यह कहकर मुझे अपने घर बुलाया कि राकेश 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। हम दोनों बेडरूम में थे, अचानक राकेश वहां पहुंचा। हम दोनों को ऐसी हालत में देखकर यह बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने गोली चला दी। ये मुझे और मोनिका दोनों को मार देना चाहता था। मैं तो बच गया लेकिन बेचारी मोनिका नहीं बच सकी। नारंग की झूठी गवाही ने मुझे मेरी ही पत्नी मोनिका के कत्ल के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दिला दी। मैं 1 साल तक जेल से भागने का इंतजार करता रहा। एक दिन मुझे जेल से भागने का मौका मिला और मैं इंतकाम की आग में जलता हुआ सीधे नारंग के घर पहुंच गया। वापस आ गए, लगता है तुम्हारी भी मौत मेरे ही हाथ में ली। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे।
नारंग का खून करने के बाद मुझे पता चला कि उस एक साल में नारंग ने शादी कर ली है। अगर इस बात का पता मुझे पहले चल गया होता तो मैं नारंग का खून कभी नहीं करता, क्योंकि गुनहगार नारंग था और सजा मैंने नारंग के साथ साथ उसकी बेगुनाह पत्नी को भी दे दी। आशा को नारंग की लाश छुपाते देखकर मुझे कुछ शक सा हुआ। मैंने ही कुछ दिनों के लिए आशा और अविनाश को एक दूसरे से मिलने के लिए मना किया, क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते तो जाहिर हो जाता कि इन दोनों में से नारंग का खून किसी ने नहीं किया है और इनका शक सिर्फ मुझ पर जाता है। मैं बाहर जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती। मुझे कुछ दिनों के लिए इस घर में छुपकर रहने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ आसानी से निपट गया था अगर यह आदमी हमें ब्लैकमेल नहीं करता। आपकी पुलिस मुझे कभी पकड़ नहीं सकती। मिस्टर राकेश, हमारी पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये चाकू नकली है और इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं। मुझे पहले से ही तुम पर शक था, क्योंकि मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी और मुझे इस बात का पता चल चुका था कि मिस्टर नारंग की गवाही की वजह से तुम्हें सजा मिली है, और इसलिए मैंने ये तुक्का फेंका जो तीर बनकर सीधा निशाने पर लगा और तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया।